Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Shweta Sharma and today in this video, we'll be discussing about Ludwig's angina. Ludwig's angina, that is a very important topic in general surgery from 5 or 10 marks aspect. So now, let's get started. So these are the main headings you have to write down related to Ludwig's angina. First of all, its definition. Second, etiology. Etiology, that means reasons, or you can say causes. थर्ड फिजियोलॉजी कि स्टार्ट कैसे होता है एंड देन फाइनली हाउ इट गोज. देन नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स. उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम क्या क्या बनाते हैं. देन इन्वेस्टिगेशन व्हाट टेस्ट शुड बी डन टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज लुडविग्स एंजाइना. ओके देन ट्रीटमेंट एंड देन कॉम्प्लिकेशंस. सो यही हेडिंग्स मैं हर बार रिपीट करती हूँ जनरल सर्जरी एंड जनरल मेडिसिन में. कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए आपको ये हेडिंग्स तो लिख के ही लिख के आनी होते हैं. Okay, now let's get started. But before starting the video, if you are new to the channel, make sure to subscribe the channel. और उसी के साथ bell icon जरूर press कर दे so that you can get every update. Now let's get started. सबसे पहले general anatomy देख लेते हैं. As you can see, basic this is tongue, these are teeth, this is mandible, and this is maxilla. Okay, ये maxilla में से maxillary teeth हैं. ये mandible में से mandibular teeth हैं. यहाँ पे ये tongue आ जाती है. अब यहाँ पे mandible से hyoid bone तक ये हमारी एक muscle जाती है. That is called as mylohyoid muscle. ओके इसके ऊपर दैट मीन्स के टंग के जस्ट नीचे जो भी स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज सब लिंगुअल स्पेस. ओके जस्ट बिलो द टंग दैट इज सब लिंगुअल स्पेस एंड जस्ट बिलो द माइलोहियोइड मसल राइट है दिस इज कॉल्ड एज सब मैंडिबुलर स्पेस. ओके अब मैं इन दोनों पे ही फोकस क्यों करा रही हूँ बिकॉज वी आर स्टडिंग लुडविग्स एंजाइना. ओके एंड लुडविग्स एंजाइना इज नथिंग जस्ट सेलुलाइटिस ऑफ सबमैंडिबुलर स्पेस एज वेल एज सबलिंगुअल स्पेस. नाउ यहाँ पे देखिए दिस इज द डेफिनेशन. सबसे पहले आपको ये अच्छे से याद करनी है. लुडविग्स एंजाइना इज अ फॉर्म ऑफ फर्म. फर्म दैट मीन्स टफ जो हार्ड हो. एक्यूट दैट मीन्स कुछ ही टाइम से हो. टॉक्सिक एक्यूट तो है पर उसी के साथ टॉक्सिक भी है. एंड सिवियर डिफ्यूज सेलुलाइटिस दैट स्प्रेड्स रैपिडली बाइलिटरली यानी कि दोनों तरफ होती है. अफेक्टिंग द सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल एंड सबमेंटल स्पेसेस एंड इट रिजल्ट्स इन वुडी स्वेलिंग. इसे हम बोर्ड लाइक स्वेलिंग भी कहते हैं. अब यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले पिक्चर दिखाई थी इसको आप देख सकते हैं. अ बोर्ड लाइक स्वेलिंग इसे हम कहते हैं. तो आपको याद करना है ये लुडविग्स एंजाइना इज अ फॉर्म. फॉर्म एक्यूट टॉक्सिक एंड सिवियर डिफ्यूज सेलुलाइटिस दैट स्प्रेड्स रैपिडली बाइलेटरली अफेक्टिंग द सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल एंड सब मेंटल स्पेसेस एंड इट रिजल्ट्स इन वुडी स्वेलिंग. नाउ द इटियोलॉजी कि भाई इसके क्या क्या रीजंस होते हैं. तो मैक्सिमम केसेस एज यू कैन सी राइट हियर 90% ऑफ केसेस में जो इसका रीजन होता है लुडविग्स एंजाइना का दैट इज डेंटल इन्फेक्शन. अब डेंटल इन्फेक्शन में कौन से दांत से. पर्टिकुलर मैंडिबुलर थर्ड मोलर. ठीक है तो 90% ऑफ केसेस अकर्स ड्यू टू डेंटल इन्फेक्शन दैट इज ड्यू टू मैंडिबुलर थर्ड मोलर. उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू में ओरल सॉफ्ट टिश्यूज में लेसरेशन जब हो जाती है. लेसरेशन यानी कि छिल जाना यानी कि कोई ट्रोमा हुई है उसके वजह से देयर इज डिसकॉन्टिन्यूटी इन ओरल म्यूकोजा. नेक्स्ट इज पंक्चर वुंड्स ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ यानी कि माउथ के फ्लोर में कोई भी पंक्चर्ड वुंड होना. कुछ भी फॉर एग्जांपल पेंसिल अगर अंदर तक चली जाए तो वो पंक्चर्ड वुंड होता है. ठीक है उसके अलावा सब मैंडिबुलर ग्लैंड सियालाडिनाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन और दिस कैन बी ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शंस ऑफ ओरल मैलिग्नेंसीज लाइक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो गया बेसल सेल कार्सिनोमा हो गया. इनकी वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं दैट कैन ऑल्सो लीड टू लुडविग्स एंजाइना. नाउ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स यानी कि इन सभी रीजंस की वजह से इन्फेक्शन होने के और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. सो डेंटल कैरीज डेंटल ट्रीटमेंट जो रिसेंटली हुए हों फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सट्रैक्शन हुई है तो डेंटिस्ट ने जो इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दी है वो अगर पेशेंट नहीं मानते हैं नहीं फॉलो करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. उसके अलावा सिस्टमिक इलनेस सच एज डायबिटीज मेलाइटिस इसकी वजह से तो इन्फेक्शन के चांसेस 24/7 रहती ही हैं. देन माल न्यूट्रिशन एल्कोहलिज्म
कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, यानी कि जैसे एड्स में हो जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड ट्रोमा. तो दीज ऑल आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स दैट कैन लीड टू लुडविग्स एंजाइना. नाउ द क्लिनिकल फीचर्स, दैट मीन्स कि पेशेंट में हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, सो दैट वी कैन डिसाइड दैट वेदर दिस इज लुडविग्स एंजाइना और नॉट. तो बाइलेटरल सुप्राहियोइड स्वेलिंग विद हार्ड कंसिस्टेंसी, नॉन फ्लक्चुएटिंग एंड पेनफुल ऑन पैल्पेशन. तो जो भी स्वेलिंग होगी दैट विल बी बाइलेटरल. सुप्राहियोइड, जो मैंने आपको माइलोहियोइड मसल दिखाई थी, उसके ऊपर स्वेलिंग होगी विद हार्ड कंसिस्टेंसी, इंड्यूरेटेड, जो हमने डेफिनेशन में लिखा था, दिस इज अ फर्म एक्यूट, है ना. तो बाइलेटरल बोर्ड लाइक अपीयरेंस, पेनफुल होगा. स्वेलिंग इज कैरेक्टराइज बाई रैपिड ऑनसेट, हमने डेफिनेशन में भी किया था कि ये रैपिडली फैलती है. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्यों भाई, क्योंकि जो हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये टंग को ऊपर की तरफ पुश करता है. अब टंग ऊपर अगर उठेगी तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगी. दैट्स वाई पेशेंट विल कंप्लेंट ऑफ डिसेपनिया. डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग ऑल्सो, और डाइनोफेजिया, तो इसका भी सेम रीजन है, जो हमारी टंग है वो ऊपर की तरफ पुश हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को फिर स्वेलिंग में भी डिफिकल्टी होती है. रेस्ट्रिक्टेड टंग मूवमेंट्स, एलिवेटेड टंग, यहाँ पे ये आया है. इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ, सलाइवेशन ज्यादा होता है. नेक्स्ट, पेशेंट्स में एग्जिबिट मफल्ड वॉइस, वॉइस भी खराब होगी ड्यू टू इडिमा ऑफ वोकल ऑपरेटर्स. इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे हॉट पोटैटो स्पीच, हॉट पोटैटो वॉइस इसमें आती है. और ये एक और जगह पे आती है, अगर आपको याद हो तो क्विंजी पे मैंने एक वीडियो बना रखी, वो भी आप देख सकते हो. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा में पूछा जाता है कि क्विंजी में कैसी वॉइस हो जाती है, या फिर डायरेक्ट पूछ लेंगे व्हाट इज हॉट पोटैटो स्पीच, या फिर व्हाट इज हॉट पोटैटो वॉइस. नाउ फर्म ब्राउनी स्वेलिंग इन बाइलेटरल सबमैंडिबुलर सबमेंटल एंड सबलिंगुअल स्पेसेस. ठीक है, डेफिनेशन में जो जो हमने लिखा था वही हम बातें वन बाय वन क्लिनिकल फीचर्स में रिपीट कर रहे हैं. नॉन फ्लक्चुएंट, हम इस पे प्रेशर जब अप्लाई करके देखते हैं तो फ्लक्चुएशन नहीं होती है, क्योंकि इंड्यूरेटेड होती है, यानी कि फर्म होती है. जब हम इसे टच करते हैं तो हमें हार्ड हार्ड फील होते हैं. टेंडर, यानी कि जब हम टच करते हैं तो पेन होता है. विद इल डिफाइंड बॉर्डर्स, अब जैसे कोई पिंपल होती है तो उसके बॉर्डर बिल्कुल शार्प होते हैं, पर इसके इल डिफाइंड बॉर्डर होते हैं. ओपन माउथ ड्यू टू इडिमा ऑफ सब लिंगुअल टिश्यू में इडिमा है, स्वेलिंग है, उसकी वजह से माउथ हमेशा ओपन रहता है. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू इडिमा ऑफ ग्लोटिस एंड फ्लोर ऑफ द माउथ. इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू इन्वॉल्व द मेस्टिकेटर स्पेस एंड पैराफेरिंजियल स्पेस इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द डिजीज. जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये पैराफेरिंजियल स्पेस में भी चला जाता है एंड मेस्टिकेटर स्पेस में भी चला जाता है. इन्फेक्शन बेसिकली बढ़ता रहता है. सो नाउ दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स. जनरल एग्जामिनेशन के टाइम पे हम क्या क्या देखेंगे पेशेंट में. पेशेंट लुक्स टॉक्सिक, यानी कि उसमें वही जो बीमारी वाले डिजीज वाले सिम्टम्स होंगे, मग्ड पायरेक्सिया, यानी कि फीवर भी होगा, चिल्स एंड मैलेज, डिस्फेजिया हमने पढ़ा था, इम्पेयर्ड स्पीच, हॉट पोटैटो वॉइस भी हमने अभी पढ़ा था जस्ट, होर्सनेस इन वॉइस, पेशेंट लुक्स डिहाइड्रेटेड, रेस्पिरेटरी रेट इज रेस्ड. ठीक है, नाउ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि भाई क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं. जब तक हम टेस्ट रन नहीं कराते हैं तब तक हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते दैट दिस इज लुडविग्स एंजाइना. तब हम उस टाइम पे मल्टीपल डायग्नोसिस दिखाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, एंजियोन्यूरोटिक इडिमा, या फिर सेलुलाइटिस तो हमें पता ही है, ये सेलुलाइटिस तो होता है, पर ये सबमेंटल, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर स्पेसिस का होता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट सेलुलाइटिस नहीं बोल सकते हैं. सो सेलुलाइटिस कहीं पे भी हो सकता है बॉडी में. लिंगुअल कार्सिनोमा, लिम्फेडिनाइटिस, पेरिटोन्सिलर एब्सेस, सलाइवरी ग्लैंड एब्सेस, सबलिंगुअल हिमेटोमा, इनमें से कुछ भी हो सकता है, पर लुडविग्स एंजाइना है या फिर इनमें से कोई एक है, ये हम कब डिसाइड करेंगे, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन. तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी हम करा सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज में फ्लूइड कलेक्शन को देखने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं. उसके अलावा ओपीजी,
ओपीजी की फुल फॉर्म होती है ऑर्थो पेंटोमोग्राम। उसके अलावा सीटी स्कैन भी हम करा सकते हैं, एमआरआई भी करा सकते हैं, कल्चर इनसेंसिटिविटी, क्यों भाई कौन सा बैक्टीरिया है ये देखने के लिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में डब्ल्यूबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, ईएसआर वैल्यू, दिस इज ऑलवेज रेज्ड इन इन्फेक्शंस। नाउ द ट्रीटमेंट पार्ट, कि भाई ट्रीटमेंट में हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले सफिशियंट एयरवे मैनेजमेंट, कि भाई अगर पेशेंट को सांस नहीं आ रहा है देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंटेन द एयरवे, देन अर्ली एंड एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था दिस इज एक्यूट एंड रैपिड स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, ठीक है, तो इसलिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी भी एग्रेसिव देंगे। देन अगर एंटीबायोटिक थेरेपी के बाद भी पेशेंट सही नहीं होता है उसके बाद हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें इंसिजन एंड ड्रेनेज। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए एयरवे मेंटेन करने के लिए ट्रेकियोस्टोमी की है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा ड्रेनेज के लिए इन्होंने यहाँ पे दिखाया है जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहले तो हमने एयरवे मेंटेन किया ट्रेकियोस्टोमी करके, उसके बाद है एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक हम इंट्रावीनसली देंगे क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो रैपिड है, ठीक है, तो उसके लिए हमें इंट्रावीनस रूट अपनाना पड़ेगा। चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मेट्रोनिडाजोल, इनको हम इनके लिए हम ऑगमेंटिन प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्लिंडामाइसिन भी हो सकते हैं। नाउ द सर्जिकल मैनेजमेंट, कि भाई अगर एंटीबायोटिक थेरेपी के बाद भी पेशेंट रिकवर नहीं होता है देन वी विल गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट। उसमें क्या आएगा, इंसिजन एंड ड्रेनेज। इंसिजन हमने कहाँ कहाँ पे देना है, बाइलेटरल सब मैंडिबुलर इंसिजन्स और उसके अलावा मिड लाइन सबमेंटल इंसिजन। यहाँ पे मैंने दिखाया था यहाँ पे बाइलेटरल सब मैंडिबुलर इंसिजन जो एंगल ऑफ द मैंडिबल के नीचे होंगे और ये होगा मिड लाइन पे सब मेंटल इंसिजन। एंड दिस इंसिजन शुड बी 3-4 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल और सब मेंटल बिलो द इन्फीरियर एक्सटेंट ऑफ स्वेलिंग रफली पैरेलल टू द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, और उसके बाद हम ड्रेन कर देंगे। नाउ द कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहला इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन अगर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो सेप्टिसेमिया। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी एयरवे, हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। उसके अलावा एस्पिरेशन न्यूमोनिया, कि भाई जो हमारी पस कलेक्शन है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल है वो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है देन इट विल लीड टू एस्पिरेशन न्यूमोनिया ऑल्सो। एंड अगर फिर भी लुडविग्स एंजाइना का ट्रीटमेंट ना हो देन इट विल लीड टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इनटू पैराफेरिंजियल स्पेसेस, ठीक है, यहाँ से फिर हो जाएगा मीडियास्टिनम में एंड दिस विल प्रोड्यूस थोरैसिक एम्पाइमा। सो दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस, ये आपको अच्छे से याद करनी है। तो हेडिंग्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, सबसे पहले डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी, ठीक है, एंड क्लिनिकल फीचर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में नॉन सर्जिकल, सर्जिकल, ओके, एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो ये सभी आपको लिख के आने हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन डू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल बिलो और उसी के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें सो दैट यू कैन गेट एवरी अपडेट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड गुड लक।